बीनिश तुमसे शुरू कर। अच्छा चलो ठीक है, चलो जी, क्योंकि तुमने अपना बड़ा पहले वो लोग जिन्होंने अपना ख्याल किया है, जिन्होंने गलतियां कम की, पहले मैं उनको जरा उनसे सुनना अच्छा लगता है, जिन्होंने थोड़ी थोड़ी गलतियां की उनका नंबर दो। चलो बीनिश, हाँ शुरू हो जाओ, क्या बताऊं। फिटनेस तो आई टोल्ड यू के खाने पीने में तो कभी प्रॉब्लम नहीं था। मम्मी हमेशा से बहुत कॉन्शियस थी, तो बहुत छोटी उम्र से स्किन प्रोडक्ट्स जो जो एज वाइज ज़रूरी थे, नॉट डैट के टीनेज में मैं जो है वो चीज़ें लगा रही थी जो आपको एज के, हर एज की एक रिजीम होती है, हर स्किन टाइप की एक रिजीम होती है, और उसके अलावा हर स्किन एक स्टेज होती है आपकी। जैसे लेट्स सपोज वीकली समटाइम्स ये मुझे अम्मी ने सिखाया था कि अपने प्रोडक्ट्स शफल करो, ये हम लोग नहीं करते। ये बहुत अच्छा अच्छी टिप। माय मदर वाज रियली इनटू स्किन, तो वो हमेशा मुझे ये कहती थी, क्योंकि आई वाज बोर्न इन अ पर्शियन फैमिली, आपको पता है सारे गोरे चिट्टे आसपास, एंड आई वाज द ओनली टैन गर्ल, तो वो हमेशा ये कहती थी, कॉम्प्लेक्शन को लेके कभी प्रॉब्लम नहीं हुई माशाल्लाह से फैमिली में, लेकिन वो हमेशा कॉन्शियस ये रहती थी कि सांवला कलर है बट उसको फ्लॉलेस रखना हमेशा। फ्लॉलेस स्किन होगी तो तुम कितनी भी सांवली होगी, कितनी भी टैन होगी, यू विल स्टिल स्टैंड आउट। मुझे कभी एक्ने नहीं हुआ, मुझे कभी पोर्स के प्रॉब्लम नहीं हुए, मुझे हमेशा से पता था कि 13-14 साल की उम्र के बाद हल्की सी क्लेंजिंग करके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स कैसे निकालने हैं, किस तरह। अच्छा, दो तीन तरीके होते हैं वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स निकालने के भी, एक होता है जो टीनेज के लिए होता है जो कि बहुत माइल्ड होता है, और एक होता है जब हम एज बढ़ जाती है और मोटे मोटे डीप ब्लैक हेड्स होते हैं तो फिर करते हैं। अच्छा, सो सबसे पहले जो है वो आई कम विद द सनब्लॉक। ये ऐसी चीज थी जो अम्मी ने कहा था कि पल्लू से मान लो सुबह मुंह धोगी और मुंह धोने के बाद हल्के गीले मुंह पे ही ये लगा दोगी, इसके बगैर तुमने बाथरूम से स्टेप आउट नहीं करना। ठीक है, आदत डेवलप करानी पड़ती है सनब्लॉक की। मैंने अभी अभी जाके डेवलप हुई है कोई एक साल से मुश्किल से। तो मैंने तो नहीं, बाकी सच्ची बात है। अच्छा, मैं इस वक्त जो है वो थोड़ी सी करंट चीजें लाई हूँ जो मैं इस वक्त करंट यूज कर रही हूँ। ओके, एज आई विल रिपीट के मैं बार बार शफल करती हूँ अपने प्रोडक्ट्स, कुछ नए ब्रांड्स, कुछ नई चीजें, तो और कुछ प्रोडक्ट चेंजेस भी होते हैं कि कभी सिरम लग रहा है कभी नहीं लग रहा। तो अभी इस वक्त जो करंट यूज कर रही हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। एक मैं ये यूज कर रही हूँ, दीज आर क्लियर कॉम्प्लेक्शन डेली क्लेंजिंग पैड्स, इनके अंदर फोमिंग क्लेंजर मौजूद है। अच्छा। तो मुझे फेस वॉश लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये एलोवेरा बेस्ड हैं। अच्छा। अवीनो ब्रांड के, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स आपका जो नॉर्मल फेस वॉश है, दिस इज माय फेस वॉश जो करंटली मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आई कीप ऑन चेंजिंग, सिरावी फोमिंग फेशियल क्लेंजर है, और दिस इज फॉर, दिस इज नॉट फॉर टू मच ड्राई स्किन, इट्स अ ऑयल कंट्रोल्ड वन। इसमें जाहिर है हर ब्रांड में आपको अलग अलग फॉर्मूलाज मिलते हैं, अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप उस हिसाब से उठा लीजिएगा, ठीक है। ये इसको जो है वो इस मशीन के ऊपर डाल के, ये देखें ये चलती है, वाइब्रेट चलती है, ये वाइब्रेट नहीं होती, ये अंदर से ऐसे गोल गोल घूमती है। ये मशीनें मिल जाती हैं आराम से, मंगा लें आप, एक दफा का खर्चा, ऑनलाइन मंगा सकते हैं। हाँ, एक दफा का खर्चा है, जिंदगी भर चलता है, चार्जर के साथ चार्ज होता है, ठीक है। और ये मैं उसको सर्कुलर मोशन में, मैं भी सर्कुलर मोशन में करती हूँ और अपवर्ड करती हूँ, और ये खुद भी अंदर से ऐसे ऐसे गोल घूम रहा है। ओके, ये तो अच्छी चीज है, वाइब्रेशन भी हो रही है, गोल भी घूम रहा है। सो इससे क्या होता है कि जब आप नॉर्मली हम मुंह धोते हैं, हम उंगलियों से धोते हैं, तो वो क्लिंजिंग उतनी डीप नहीं होती। ये ब्रश के ब्रिसल्स ऐसे होते हैं, और जिस तरह वो मूव हो रहे होते हैं और आप उसको सर्कुलर चला रहे होते हो, ये अंदर से आपका गंद निकाल रहा होता है। बिकॉज हम एवरी अदर डे मेकअप कर रहे होते हैं, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट प्लस हेयर स्टाइलिस्ट, आई मीट एवरी डे पीपल, तो कुछ नहीं कुछ नहीं तो मेरी बीबी क्रीम और मेरा नॉर्मल कॉम्पैक्ट तो एवरी डे लगता ही लगता है, ठीक है। वो भी क्लॉटिंग पैदा करता है, तो बिकॉज के आप एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं और कुछ टाइम के लिए आपका पोर ब्लॉक हो रहा है फॉर सर्टन कॉस्मेटिक ब्रांड जो आप यूज करें, तो आपकी क्लिंजिंग इंटरनली होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने जो है वो डबल क्लिंजिंग कर ली। अच्छा, हफ्ते में दो दफा डबल क्लिंजिंग करती हूँ मैं। डबल क्लिंजिंग से मुराद ये नहीं है कि वो वाली क्लिंजिंग जो क्लिंजर मॉइस्चराइजर के थ्रू करते हैं आप, इसको भी डबल क्लिंजिंग करते हैं। जैसे आपने पहले आपने इससे ये मशीन से साफ कर लिया, और फिर ये थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग है, बट ये भी फॉर्मिंग लोशन इसके अंदर है, ये पैड लेके सारा मेकअप उतार गया। हाँ, और आपको अब आपकी जब डबल क्लिंजिंग हो गई, तो फोम के जरिए विच इज झाग, ठीक है, झाग के जरिए आपका सारा जो है वो पोर साफ हो गया। जब तक एक सरफेस आपकी साफ नहीं होगी, मट्टी नहीं निकलेगी, अगर आप उसके ऊपर गीला कपड़ा लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक कीचड़ टाइप डिजाइन बन जाएगा। यू हैव टू डस्ट इट,
फिर उसके बाद आप गीला लगाते हैं. ठीक है. सो इट इज लाइक दैट विथ योर स्किन सर्फेस ऑल्सो. ठीक है. अच्छा, फिर आ जाते हैं हफ्ते में. जैसे इन्होंने बताया कि एक्सफोलिएटिंग दो दफा रियली रियली इम्पोर्टेंट. ये डर्मोलॉजिका का, हाँ ये डर्मोलॉजिका का माइक्रोफोलियंट है. अच्छा, दिस इज, हाँ ये सबसे माइल्ड जो है वो पाउडर शेप में निकलता है. पाउडर और ये चावल का बना होता है जैसे आप बता रही थी. अच्छा, और इसका आप अगर नोट करें तो मुझे, हाँ मैंने यूज किया, मुझे पाउडर का बिल्कुल. लेकिन ये सबसे ये एक्सफोलिएट है स्क्रब, हल्का कह रही थी ना, हल्का फॉर्म स्क्रब का जो ये बता रही थी वो टोटके की शक्ल में, ये प्रोडक्ट की शक्ल. अच्छा, मैं पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे इस पे शिफ्ट हुई और क्या रीजन था. हम पहले यूज करते थे वो सेंटाइप्स के, नहीं आते बादाम वाले स्क्रब्स वगैरह जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम के अंदर ही होते हैं. ठीक है, मैं वो एक अरसे तक यूज करती रही. उससे क्या हुआ कि उससे जब मैं एक्सफोलिएट करती थी ना तो मुझे कभी कभी एक दो दाना निकल आता बादाम से. हाँ, okay. वो जो होता है जो नॉर्मली स्क्रब होता है जो कि मोटे दाने में. स्क्रब कभी भी आप बहुत ज्यादा मोटे दाने वाला यूज ना करें. उसके दाने ऐसे होने चाहिए कि जो आपको बहुत ज्यादा चुभे ना. ठीक है. ठीक है. अब वो चाहे फिर कोई भी ब्रांड हो, जाहिर है एवरीबडी हैज देयर ओन इकोनॉमिकल रेंज ऑफ बाइंग स्टफ. ठीक है. सो आई यूज दिस वंस और समटाइम्स ट्वाइस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ माई स्किन. ठीक है. अच्छा, मुंह धोने के बाद एक और चीज जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज टोनर, जो आपकी स्किन को बैलेंस आउट करता है. अक्सर लोग समझते हैं कि टोनर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. टोनर की बहुत इंपॉर्टेंस है. वो आपके पीएच लेवल को बैलेंस आउट करता है, क्योंकि जब हम कोई भी फॉर्मिंग जेल या किसी भी किस्म का मुंह धोने का जो चीज हम यूज कर रहे होते हैं वो आपका सारा मॉइस्चर और आपकी स्किन का जो हाइड्रेट एक वो होता है वो निकल जाता है. वो उसको बैलेंस आउट करता है. ठीक है. सनब्लॉक लगा लिया. हफ्ते में दो दिन मैं जो हूँ वो विटामिन सी सीरम लगाती हूँ. दो दिन इसलिए लगाती हूँ, आप इसको वैसे तो एवरी डे भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कुछ बहुत ज्यादा गोरे होने का शौक नहीं है. तो दो दिन में ये होता है कि मेरी जो डिस्कलरेशन होती है इवन हो जाती है, वो बैलेंस आउट हो जाती है. विटामिन सी से वैसे आपका होता है कॉम्प्लेक्शन फेयर होता है अगर आप एवरी डे यूज करें. अच्छा, नाउ देयर्स दिस अनदर क्रीम विच इज लाइक, आई स्वेयर ऑन दिस क्रीम, दिस इज लाइक एन अमेजिंग, इट्स अ गुड जीन्स संडे रिली का ब्रांड है. इट्स अ नाइट क्रीम एंड आई थिंक इससे बहुत फर्क पड़ा है मुझे. मैंने इसको सिर्फ दो ड्रॉप ले लिया. मैं रात को लगा लेती हूँ, कभी ये लगाती हूँ और कभी ये दस अनदर वन, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, किसी डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया था कि आफ्टर 30 आपको थोड़ी सी लिफ्टिंग और टाइटनिंग प्रोडक्ट्स अपने स्किन रिजीम में ऐड कर लेने चाहिए. बिकॉज यू नो लाइक 30 के बाद लेट 20s, वैसे तो आप लेट 20s में भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी इस मामले में. तो आई स्विच विद बोथ. ये भी लिफ्टिंग क्रीम है, नाइट क्रीम है. एक दिन नहीं, दो तीन दिन ये इस्तेमाल कर कंटिन्यू, या एक हफ्ता ये कर लिया, एक हफ्ता ये कर लिया. ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर ये महंगी है और आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपके बजट में भी ऐसी बहुत सारी मिल जाती है. जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो पाकिस्तान में भी मिलती है, चाहे वो लिफ्टिंग हो, चाहे वो विटामिन सी हो. सो आप उधर और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत, मैं अपने शो पे वो भी कर रही हूँ ब्रांडिंग, वो खरीद सकते हैं. ये आपकी, या अगर ये नहीं कर सकते तो इन्होंने भी बताई कितनी सारी चीजें. सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू वॉच द लेटेस्ट ड्रामास.